माहिन, मुझे अरे अस्सलाम वालेकुम। मुइस, तुम कब आए? आप सदब की मंगनी तय हो गई, इसलिए मिठाई लेकर आए, और बहुत जल्द शादी भी होगी। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत मुबारक हो। जल्दी शादी इसलिए कर रहे होंगे ना, क्योंकि पहले भी तो 2-3 बार सदफ आप ही की बात तय हुई है, लेकिन एंड टाइम पे कुछ ना कुछ हो जाता था तो शादी नहीं हुई। माही, सोच समझ के बात क्या करो, बच्ची थोड़ी हो अब। मैंने ऐसा क्या कह दिया है मोइस, कुछ गलत कहा मैंने? खैर छोड़ो इन बातों को, नफीसा खालों को कहना मुझे बहुत खुशी हुई सुन के, बल्कि मैं खुद आकर उनको मुबारकबाद दूंगी। कुछ बताओ, ससुराल वाले कैसे हैं उसके? अच्छे लोग हैं, कल गए थे हम उनकी तरफ, अस्मा और बेटा है, बहुत मोहब्बत करने वाले और नेक फितरत लोग हैं। हाँ, शुरू शुरू में तो सब बड़े नेक और तमीजदार लगते हैं, लेकिन असल फितरत तो बाद में सामने आती है लोगों की, है ना नायला आपी? नहीं माही, अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखें तो बुरा नहीं होता कभी भी। खैर मुइज, शादी का कब तक इरादा है? बस इसी माह के आखिरी हफ्ते। इतनी जल्दी? मेरा मतलब है तैयारी वगैरह भी तो करनी होगी, उसका भी तो टाइम चाहिए होगा। नहीं, उन्होंने तो साफ मना कर दिया जहेज के लिए। असल में मंसूर भाई की वालदा बीमार है, इसलिए उनको भी जल्दी है शादी की। तो ये बात है, असल बात तो आप खुली है। कैसी बात, क्या मतलब? भाई सीधी सी बात है, सदफ आप ही की सूरत में उन्हें बहू से ज्यादा एक खिदमतगार टाइप मुलाजमा। सॉरी, हेल्पर मिल रही होगी। पहले हमें भी ऐसे लगा था, लेकिन हम जब उनके घर गए तो माशाल्लाह उनके घर में 3-3 नौकर हैं, कपड़े धोने के लिए अलग, इस्त्री के लिए अलग, उनको सिर्फ एक बहू चाहिए। हमारी सदा बहुत खुश रहेगी। माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई ये बात सुन के, अल्लाह ताला सदा के नसीब और अच्छे करे। आमीन। हारून भाई कब तक आएंगे? अभी तो थोड़ा वक्त है उनके आने में। मोइस, मैं तुम्हारे साथ चलूं? मैंने नफीसा खाला और सदफ आपी को मुबारकबाद भी देनी है, मैं जाऊं आपी? ठीक, चली जाओ। बल्कि कल वहीं से यूनिवर्सिटी चली जाऊंगी। मोइस, मैं अपना सामान लेकर आती हूँ, फिर चलते हैं।